हेलो नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। भारी दिनों के बाद आज सितंबर में आज पहला वीडियो शूट होने वाला है। अगस्त का लास्ट वीडियो लगभग कुछ ज़्यादा ही मिनटों का बन गया था एडिट करते करते, तो वैसे वो अभी तक अपलोड नहीं किया है मैंने आज, और दो दिन पहले से मेरा वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो गया है और मेरे को याद नहीं था कि मैंने एडिट भी करके रखा है, तो मैं भूल जा रहा हूँ डेली डेली कि उसको अपलोड भी करना है। सो होपफुली उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करते हैं। थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो है बट काफ़ी ज़्यादा फन है एंड आप लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आएगा। सो डोंट मिस द वीडियो, प्लीज़ चेक आउट द वीडियो। सो आज फ्राइडे और आज हमारा बहुत मज़ेदार दिन जाने वाला है क्योंकि आज है चेस्ट डे। सो चेस्ट डे बहुत बेहतरीन होता है, यू नो चेस्ट के पम्प्स अमेजिंग। और आज ऐसे बारिश हो गई, मॉनसून लगभग ख़त्म होने वाला है अक्टूबर के थर्ड या फोर्थ वीक तक, मे बी चाईबासा में यहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगा मॉनसून। विंटर नवंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक से चाईबासा में आ जाता है और आई डोंट नो इस बार का विंटर आर्क कैसा होने वाला है। ठंड ज़्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी, पिछले बार तो कम थी बट बहुत इंतज़ार है, जल्द ही आए तो बेहतर है और अच्छा विंटर आर्क हो ताकि यू नो सभी जिम फ्रीक को विंटर आर्क पसंद होता है, बल्क फेस उनका बहुत तगड़ा होता है विंटर आर्क में। मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा मेरे को, क्योंकि मैं एक कराटे एथलीट हुई हूँ, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे मेरे नेशनल्स के स्टेट के। सो मेरे को अपना वेट मेंटेन करना होता है, मैं एज ए 65 का एथलीट हूँ, लास्ट माइनस 65 में चला था, अभी मेरा 75 चल रहा है वेट, आज मेरा 74.80 था। सो मेरे को वो ना वेट मेंटेन करना पड़ेगा -65। सो एज यू नो मेरा फैट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को लगता है कि हाँ 10 kg अगर मैं फैट लूज़ करता हूँ, कट एक शुरू करूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं -65 में अच्छे से कंपटीशन दे पाऊँगा। सो मैंने डिसाइड ये किया है कि हमारा जैसे ही बॉडी रिकॉर्म का 2 महीना कम्प्लीट हो जाएगा, जैसे इस सेप्टेम्बर के 21-24 को, मे भी नहीं 22 को हमारा सितंबर को बॉडी रिकॉम्पोजिशन का 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा, एक फ़ोटोशूट करूँगा मैं कि 2 महीने में क्या डिफरेंस आया है हमारे बॉडी में सितंबर 22 के बाद। 23 से धीरे धीरे स्लाइटली कैलोरी डिफिशिएट करना शुरू करूँगा मैं, लाइक 100 कैलोरी और डिफिशिएट करूँगा, जैसे कि मैं मेरा अभी मेंटेनेंस कैलोरी है 2800 मेंटेनेंस कैलोरी है, तो मैं अभी जैसे कर रहा हूँ 2700 to 2600 कैलोरीज में हूँ, मतलब 200 कैलोरी डेफिसिट में हूँ। सो मुझे करना ये है कि कट में उसमें से और 100 कैलोरी डेफिसिट करना है, दैट मीन 300 to 400 कैलोरी डेफिसिट, ताकि उतना ज़्यादा भी हम जल्दी से कैलोरी डेफिसिट ना करें कि हमारा मसल भी ड्रॉप होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम बस 300 to 400 कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, मे बी 400 कैलोरी, 300 कुछ ज़्यादा ही कम है कट के लिए। सो वीक में हम बस 100 कैलोरी और डेफिसिट करते रहेंगे। सो बस मैंने ऐसा ही डिसाइड किया है, कुछ 2 महीने बॉडी रिकॉर्म, देन एक फ़ोटोशूट एंड देन मैं एक कट पे जाऊँगा धीरे धीरे, उससे ज़्यादा नहीं, और जितना भी अक्टूबर तक हम डेफिसिट कर लेते हैं कैलोरी, बस इनफ करेंगे, जितना भी हमारा वेट गिरा इनफ करेंगे, उसके बाद एक फ़ोटोशूट, देन नवंबर में, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, ये 3 महीने हम बॉडी रिकॉर्म वापस से शुरू करेंगे, वही जो भी वेट हमारा गिरा अक्टूबर में और उस वेट में हम बॉडी रिकॉर्म 3 महीने करेंगे, ताकि हमारा बस फैट लॉस होता रहे। बस इतना ही, यही सब प्लान है, तो ये डिस्कस करने आया था मैं। एंड आज हमारा चेस्ट डे है, शाम के 4 बज रहे हैं, काइंड ऑफ लेट से मैं स्टार्ट करता हूँ व्लॉग, नहीं पता चल, सुबह टाइम नहीं मिल पाता, कुछ और काम सब रहता है तो सब मेरा काम चला जाता है, तो शाम होने का इंतज़ार करते हैं। एंड आज मैं थोड़ा लेट से जिम जाने वाला हूँ क्योंकि शूट है, 10:30 बजे घर आऊँगा, क्योंकि आज गणेश वनेश लोग जा नहीं रहा जिम, अभी फ़िलहाल तो नहीं जा रहे, कुछ 2 दिन से वो लोग जिम नहीं जा रहा, तो मैं अकेला ही जिम जा रहा हूँ,
जिम में काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैं आज थोड़ा लेट से जिम जाने वाला हूँ, लाइक 7:30 बजे जिम जाऊँगा। हम आगे मिलते हैं। हाय। तो शाम की वैसे वो मैंने स्क्रीन ऑन करके रखा है क्योंकि लाइट अपोजिट साइड है तो पीछे लाइट मारेगा और मेरा टेबल डेस्क इस साइड है। शाम के 6:30 हो रहा है एंड मैं अभी हाफ शेक पी रहा हूँ अपना। ये हाफ शेक है, मैं एक्चुअली जिम के बाद पोस्ट मील में और हाफ शेक पी लेता हूँ ताकि प्रोटीन इंटेक हाई रहे, वर्कआउट के बाद प्रोटीन इंटेक हाई रहे और क्रिएटिन में जैसा कि वर्कआउट के टाइम में लेता हूँ तो मैं 3 ग्राम क्रिएटिन इसमें डाल देता हूँ ताकि मेरा वर्कआउट और क्रिएटिन इंटेक दोनों ठीक ठाक रहे। थोड़ा सा पानी मिला के शेक कर लेता हूँ। प्रोटीन शेक को पीते हैं एंड इसको भी हल्का हल्का शेक कर लेते हैं। सो इसको कंप्लीट करते हैं एंड अब डायरेक्ट जिम में मिलता है। लेट्स गो। हमेशा की तरह यहाँ पे रील देखा जा रहा है। गाइस भूत इक्के दुक्के लोग बचे हैं और आज हमारा चेस्ट है। चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो। आदत है 9 बजे रात में, अभी कुछ दिनों से जल्दी आ रहा है। अरे ये वाले वीडियो में 9 इंक्लाइन के 9 गए थे रैप 30 kg में, बट इस बार एटलीस्ट 9 से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ऐसे 12 रैप आते हैं बट आज पता नहीं क्यों एनर्जी कम है, ऐसा लग रहा है। लेट्स ट्राई। लेट्स गो। What's up?
चेस्ट का फ्लाइंग हो गया है, और अभी 25 के जिसे शोल्डर प्रेस मारने वाले अपन, ईगो लिफ्टिंग। चलो लेट्स गो। जॉलाइन बन रही है, एक्चुअली दाढ़ी की वजह से पता नहीं चल रहा है, दाढ़ी कटाना पड़ेगा। देख 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 कैसे खा रहा है, दिखा बेचारा, दिखा। देखो भाई, जिम ट्रेनर यहाँ अंडा चाउमीन खा रहा है, फुल कैलोरी कंप्लीट किए जा रहे हैं यार। ऐसा जिम तो कर नहीं रहा लौंडा, अभी 20 मिनट्स के लिए बाहर गया था। चलो मेरे को इधर बेंच मारना है, चल इंक्लाइन छोड़ो, खाते रहो भाई। सो इंक्लाइन मार रहे अपन, ओके 30 kg, लेट्स गो। फूट नहीं रहा है क्या? पता नहीं क्यों अचानक से चेस्ट मारने का एकदम, मतलब बाइबल में मारने का ख्याल आता है स्ट्रेंथ के लिए। सो लास्ट में स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करते हैं, एंड टाइम हो गया जिम बंद करना है, एक बार इधर निकलता है, लेट्स गो। एकदम लास्ट में यू नो स्टेमिना तो होता नहीं है, और भी नहीं होता, बट ऐसी फ्लेक्स के लिए मार रहे थे, अच्छा गया, 2-3 रेप गया, पहला रेप तो सट गया था उधर, नहीं पता क्यों। बट वो जो लास्ट का फेलियर था, चैलेंजिंग होता है भाई, मेंटल चैलेंज होता है। सो वर्कआउट ख़त्म है, एंड काफ़ी अच्छा वर्कआउट सेशन गया, जैसा कि पता है एब्स इंक्लूडेड है, तो एब्स के 3 सेट मारे हमने, वेटेड रोप, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, नाम नहीं पता मेरे को, जो भी है मारा है उसको। एंड अभी लास्ट में स्ट्रेंथ के लिए फेलियर, मज़ा आ गया भाई, वो जो फेलियर अटेम्प्ट होता है ना, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। और हमारा अभी चेस्ट एंड शोल्डर डे यही ख़त्म होता है, शोल्डर में शोल्डर डंबल छोड़ के गया हुआ है बच्चा, सब देखो कितना ये छपरी था भाई, इधर कितना डंबल सब इधर। हाँ मैंने अपना डंबल हटा दिया, वो ट्रेनर वो कर लेगा, वो राजा था ट्रेनर, हाय बोल दो भाई। सो शोल्डर के लिए डंबल वेज भी कर लिया था, एंड लेटरल रेजेस, शोल्डर काफ़ी पंप है, एंड मेरे को नहीं लगता, बट हाँ और एक बार हम लोग पोजिंग कर लेते हैं, लेट्स गो। ओके हाँ बहुत मस्त लाइटिंग है, थैंक यू भाई, थैंक यू। देयर इज शोल्डर, काफ़ी अच्छा पॉप है,
है ना, आई डोंट नो पता चल रहा है नहीं, बट जैसा कि हम बॉडी रिकॉम में है सो थोड़ा बहुत लीन लग रहा है पहले, क्योंकि बल्क में ऐसा था ना बॉडी, तो पेट ऐसा था निकला ऑफ तरफ, सो अभी काफ़ी हद तक लीन है। और पेट अंदर में करूँगा तो देखो ये है नॉर्मल, एंड चेस्ट शोल्डर बैक, अच्छा चलो इनफ। अभी एक्चुअली हुआ क्या कि एक नया बंदा जिम आया है और पूछ रहा था स्मोकिंग वगैरह कैसे छोड़े, सो उसके चलते हमारा थोड़ा सा टाइम चला गया उसको समझाने के लिए कि लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग वगैरह कैसे छोड़े एंड डाइटिंग वगैरह, तो उसकी वजह से टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो गया। आज थोड़ा सा लेट हो गया जैसा कि मैंने बोला था, आज शूट है सो 10:10 हो रहे हैं यहाँ पे, एंड मुझे लगता है घर जाते जाते 10:30 हो जाएंगे। इसको भी घर छोड़ना है, क्या देख रहे हैं, हाँ तो इसको भी घर छोड़ना है, सो चलते हैं, लेट्स गो। अंधेरा कायम रहे, ठीक है राजा भाई, बाय, लेट्स गो होम। हाय 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 हाय, सो देयर इज द फर्स्ट पोस्ट मील। ये एक्चुअली 516 कैलोरीज का शेक है, फुल हाफ शेक है ये पूरा। मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं जब से हर एक एक्सरसाइज हर एक सेट्स फेलियर अटेम्प्ट करता हूँ, लाइक उसमें इतना मज़ा है, मैं जब से फेलियर्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ लाइक दो तीन महीने से रेगुलर, पहले क्या होता था कि हाँ 13-15 सेट्स के बीच में हाँ अच्छा खासा वर्कआउट रैप हो गया, सो हम उसे ड्रॉप कर देते थे, डंबल या केबल कुछ भी कर रहे हैं सेट उसको ड्रॉप कर देते थे, सो हम वहीं तक थे। बट कुछ टाइम से मेरे को फेलियर मारने की ऐसी आदत लगी है, प्यारी सी आदत लगी है, मतलब अलग ही मज़ा है, मतलब जब फेलियर आप अटेम्प्ट करते हो वो जो थॉट्स होते हैं ना, इट्स अमेजिंग यार, मतलब आप कभी ट्राई करना ना, आप फेलियर कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो उसके थॉट्स आप देखना, जब भी फेलियर करते हो लाइक इनसेन थॉट्स आते हैं, नहीं मतलब अलग अलग से थॉट्स आते हैं, बट काफ़ी मज़ा आता है फेलियर अटेम्प्ट करने में। सो मैं सबको एक बोलूँगा भाई अपना जो भी मसल है उसको एकदम फेलियर तक ट्रेन करो, मसल ग्रुप जो भी है फेलियर तक ट्रेन करो ताकि मसल बिल्ड हो पाए। अरे और घर आते साथ दब के खाना खा दो, इन कैलरीज जो भी है आपका मेंटेनेंस या सरप्लस या डेफिसिट कुछ भी कह दिया वो मेंटेन करके खाओ, फिर देखो बॉडी कैसा नहीं बनती है। ये है पोस्ट मील, इसके बाद चपाती एंड देखूंगा कैलरी कैसा जा रहा है, अभी तो बॉडी रिकॉर्म में हूँ, जैसा कि मैंने बोला मैं कट पे जाऊंगा अक्टूबर से, कट करूंगा मैं, -65 आना यार जैसे तैसे करके, और जब भी टूर्नामेंट आने लगेगा ऐसे पहले से पता चल जाता है, स्टेट्स वगैरह के पहले पता नहीं चलता है, पर नेशनल अनाउंस होने के बाद स्टेट होता है, जैसे ही नेशनल अनाउंस होगा हम वहीं से कट चालू करेंगे जब भी होगा, क्योंकि एकदम से 15 डेज होगा देन हम कट करेंगे तो -65 तक आ नहीं पाएगा, या तो मसल लूज हो जाएगा या तो मेरा -65 मैं आ नहीं पाऊंगा उसमें। अक्टूबर में जितना भी हमारा कट होगा वो करेंगे, देन जैसा भी होगा हम लोग बॉडी रिकॉर्म करते रहेंगे, धीरे धीरे हम फैट कट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए कट करना शुरू करूंगा, थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, लाइक जनवरी तक कोई टूर्नामेंट नहीं होता है कीओ लेवल का कराटे में, तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च में तो फुल्ली कट चलेगा, मज़ा आने वाला है। सो बस ये पोस्ट मील है, देन रोटी सब्जी जो भी होगा मिलता है। सो मील नंबर टू एक रोटी, क्योंकि कैलरी ज़्यादा हो जाएंगे और एक रोटी बढ़ा दिया तो कैलरी ज़्यादा हो जाएगा। कैलरी डेफिसिट अभी हो रहा है 238 कैलरी डेफिसिट हो रहा है, सो इतना चलता है आज के लिए, बस इतना ही, हम मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, राधे राधे।